I keep on working out purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Walk out the opinions until I am dead. They all go to sleep but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You're gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket I smash, I'm like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. It never changed myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game. All out, and I am here to stay. Right now, so don't call it a comeback. तो वैसे उम्मीद करता हूँ कि जो स्टार्टिंग है वो आपको पसंद आई होगी। उसी के साथ साथ आज हम क्या करना है, हमने जो एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम दोनों की दोनों जो है नूब वाले कपड़े पहनेंगे, तो देखते हैं भाई क्या सीन होता है, क्या बंदे हमें नूब समझ के हम पे अंधापुष करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती ऐसी जो नोटिस करने वाली होगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमें हेलमेट वेस्ट की स्किन नहीं होती मेरे भाई, ओके हेलमेट की, बैकपैक की और गन की स्किन सटाना भूल गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चीज़ जो बंदा नोटिस करता है वो तो उसको आउटफिट दिखता है और हेलमेट की स्किन। अब भाई यहाँ पर जो इसके टीममेट ने हमको नॉक, इसके टीममेट को हमने नॉक करके बहुत देर तक इसका वेट किया लेकिन ये आया नहीं। हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत नूब वाली एक्टिंग भी कर ली जाए लेकिन ये चीज़ तो कुछ पॉसिबल हो नहीं पाई। अब भाई ये जो बंदा ये बड़ी देर से हमारे ऊपर फायर करे जा रहा था और ये सेकंड टाइम है जब इसने मेरे को जो डैमेज दिया। अब भाई यहाँ पर लूट वूट करने के बाद हम इस साइड आ गए और हमें दिखा कि सामने जो आइस वॉल बनी पड़ी है और यहाँ पर अभी ताज़ी ताज़ी फाइट हुई थी, तो बस हम भी चले जाते हैं उधर फाइट करने के लिए। लेकिन ऐसे ही नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस देख सकते हो आप, काफ़ी टाइम लग जाएगा इतने डिस्टेंस में, तो भाई दो तीन बंदे इजीली रिवाइव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको यहाँ से किसी को नॉक करना चाहिए, एक दो बंदों को नॉक करना चाहिए। भाई यहाँ पर दो को नॉक करते हैं और सीधा पुश करते हैं। मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि अंधा घुसो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि मेरा टीममेट जो ऑलरेडी आगे था सामने मेरे घुस गया था। आ रहा ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर भाई बड़ा कन्फ्यूजन हुआ मुझे कि कौन सा बंदा कौन सा है। और यही था वो, इस टीम का जो आखिरी बंदा बचा था वो यही था, ये पिंक कपड़ों वाला साले मिस्टर घोस्ट रखा है नाम और पिंक कलर के कपड़े पहना, शर्म नहीं आती तेरे को? पिंक कलर का घोस्ट देखा है कभी किसी ने? ओ भाई चलो, इन्होंने जो उम्मीद छोड़ दी थी मतलब कि इनका जो लास्ट बंदा था स्क्वाड का वो इनके साथ नहीं था, मे भी रैंडम हो सकता है या फिर जो भी सीन होगा अपने को ये सीन तो नहीं बताया, बंदों ने उम्मीद छोड़ दी थी तो हमने भी जो है ढूंढना सही नहीं समझा। यहाँ पर बस मज़े के साथ ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तभी ये बॉट फायर कर देता है, लेकिन मैं समझ गया कि बॉट चलते घड़ी पे फायर तो नहीं किया होगा। तभी मेरे को दिखता है कि आइस वॉल बहुत सारी, तो मैं उतर के यहाँ पर आइस वॉल बनाता हूँ कवर के लिए और मेरा टीममेट जाता राइट साइड में। ये बॉट आया, ये बॉट मार रहा था ऊपर के साइड, 6x लगाया ऊपर देखा तो ये भाई साहब जो मेरे टीममेट के ऊपर बिल्कुल एम कर रहे थे क्योंकि मेरे टीममेट जो राइट में गाड़ी लेके गया था तो इसको लगा कि राइट में ही बंदा है और इसने देखा ही नहीं कि लेफ्ट में बंदा आइस वॉल बना के बैठा है। खैर छोड़ो, इन दोनों को मारते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं और अपनी गाड़ी छोड़ के अपन US उठा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाइक से अपन फायर तो कर नहीं सकते, ऊपर से अपने हाथ में M2 बनाए।
ओके तो इस टाइम अगर सीट चेंज कर लेता मैं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता। इतनी सारी एमो मुझे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि गाड़ी से मुझे एंगल नहीं मिल रहा था, अपोजिट एंगल था पूरा के पूरा। तो अगर यहाँ पर मैं सीट चेंज कर लेता तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन इतनी जल्दी जो है क्या बोलते हैं उसको, दिमाग काम नहीं करता है किसी का भी। और मतलब जब तक एक दो बार वो चीज़ें उसके साथ हो ना जाए तो हम जो है अगली बार से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी थी, फाइट वाइट चल रही थी और हम भी आ जाते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास बीस्ट गन है M249। और यहाँ पर लास्ट में जो सीन होने वाला है उस सीन के लिए मैं ये पूरा के पूरा गेम प्ले डाला हूँ, नहीं तो नहीं डालने वाला था। मेरे पे इससे भी बढ़िया बढ़िया गेम प्ले थे लेकिन जो लास्ट में सीन हुआ है ना उस सीन के लिए बस ये गेम प्ले है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब भाई मैं समझ गया कि जो बंदा हमारे पास राइट से फायर कर रहा था वो इन्हीं का टीममेट है, क्योंकि ये नॉक हुए और उसको ज़्यादा खुजली मच रही थी जब हम इन पे आए। तो भाई सीधा उसके ऊपर हम जो है पुश कर देते हैं। और यहाँ पर जो सीन होता है वो सीन देख के अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल भी आती ना तो सब्सक्राइब ठोक दो यार, 300 के कितने ज़्यादा करीब है, शर्म नहीं आती यार। मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको, बाकी अपने भाई लोगों ने तो सब्सक्राइब किया है तो अब भी भाई लोग बन जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो फटाक से, मज़ा आ जाएगा। कतई 300 के हो जाने चाहिए जल्दी, मुझे नहीं पता, बस करवा दो। और ये देखो नो 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 ओ भाई साहब, मतलब मैंने जो है वो गॉडज़िला वाला इमोट किया उसमें से आवाज़ आती है बहुत ख़तरनाक सी, तो आवाज़ आई इसलिए बंदे ने जो है पीक टेढ़ा पीक करके ही ऐसे घुमाया हमारी तरफ लेफ्ट में। ओ भाई इधर तो बंदे लाल, खतरनाक सीन था भाई। अगर मैं वो वाला इमोट नहीं करता ना जिसमें से आवाज़ आती है तो भाई बंदा आधे घंटे तक भी ऐसे ही बैठा रहता। ओ भाई क्या ही बताए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वही बंदे होते हैं जो मुल्तानी मिट्टी के नशे करके गेम खेलते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बचे सिर्फ और सिर्फ दो बंदे और इन दोनों को देखो कैसे निपटाते हैं बिल्कुल आराम से, मक्खन से। अब यहाँ पर हम बग्गी छोड़ के हमें ये जो है डांसिया उठानी थी क्योंकि बग्गी पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो बस हम जाते हैं जिधर ड्रॉप गिरा था। और यहाँ पर तीन ड्रॉप थे, 1, 2, 3, इधर दो और लेफ्ट में एक। लेकिन यहाँ पर लूट रहे थे तभी एक बंदे को बड़ी खुजली थी, उसने पिस्तौल से फायर कर दिया। लेकिन हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी बंदे की, बंदा कहाँ पर है, तो आ जाते तो ये फिर से फायर कर देता है। लेकिन इस बार किसी और से गन फायर किया, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई इसके साथ भी वही स्कैम करते हैं, ये भी ऐसे ही करके बैठा होगा क्योंकि सीढ़ियों में बैठा होगा तो ऐसे ही करके बैठा होगा, तो हम सेम चीज़ करते हैं। और लेकिन यहाँ पर सीन जो है अलग होता है क्योंकि हर बंदा एक सेम दिमाग से तो खेलेगा नहीं। और मेरे टीममेट ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था मेरा वैसे यहाँ पे, तो मुझे जो है दीवार फोड़ के फिर बनानी पड़ेगी, तब जाके मैं ऊपर आ पाया। मैं धीरे धीरे नीचे जाता हूँ ताकि उसको अंदाज़ा ना हो, आवाज़ ना आए जल्दी। और मेरे भाई अगर मैं लेफ्ट में नहीं देखता डायरेक्ट राइट में जाता तो उसका ध्यान नहीं था, मैंने टाइम वेस्ट किया इसलिए उसको समझ में आ गया कि बंदा इधर से आया है। और बंदे के पास थी भाई MK। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि यार वो बंदा क्या ही सही, यार क्या सही लाइफ है उसकी, क्या सब कुछ सेट है यार उसके बंदे के लाइफ में, सब कुछ सेट है, फेम पैसा सब कुछ है यार, मतलब क्या ओपी लाइफ है उसकी, लाइफ हो तो वैसी हो। कभी आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा है? तो ऑलमोस्ट 80% बंदों ने कमेंट किया यस। तो मेरे भाई बहुत बढ़िया, आपकी जो बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। अभी जो स्टोरी हम बना रहे ना वो आएगी मिस्टर कूल वाले चैनल के ऊपर, जिन लोगों ने अभी तक वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई इतनी तगड़ी स्टोरी में लिख के दे सकता हूँ, आपने नहीं देखी होगी। ये स्टोरी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, पूरी की पूरी मेंटेलिटी चेंज कर सकती है, थिंकिंग चेंज कर सकती है, तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ही चैनल है मिस्टर कूल नाम से, और वहाँ पर आप पहले बनी जो स्टोरी वो भी देख सकते हो। और ये जो स्टोरी में जो आपको बताया था अभी द ड्रीम लाइफ, उस स्टोरी का नाम होगा 3-4 दिन में आ जाएगी या फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेहनत काफ़ी लग रही है उसमें, तो उसी चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को भी ऑल के ऊपर करो। एक और चीज जो बताना रह गया और भूल भी गया, मज़ा आया, चलो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए साइनिंग आउट।